वीडियो के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इंडिया एंड द न्यू यूरेशिया। इस लेख को सी राजा मोहन ने कवर किया है और इस लेख में बताया गया है कि यूरेशिया में बदलती गतिशीलता और भारत के लिए जो अंतर्निहित चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका संबंध हमारे जीएस पेपर 2 से, यानी यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से है और ये एडिटोरियल 19 जनवरी को प्रकाशित हुआ था, जिसके हेडलाइन थी इन लाइट ऑफ द चाइना रसिया अलायंस एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड द न्यू यूरेशिया। तो लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसपे आपको योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन का मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा और अदर इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल हैं तो वो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। अब बात करेंगे इंडिया और न्यू यूरेशिया की। समय परिस्थिति के साथ जैसे जैसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक परिवर्तन आ रहा है, रसिया यूक्रेन जैसा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग अपने हितों को देखकर अपने संबंध भी बदलते जा रहे हैं। तो जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यू यूरेशिया को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यू यूरेशिया शब्द की बात करें तो इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता रहा है, लेकिन आमतौर पर बात करें तो यूरेशिया क्षेत्र के एक नए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप में इस विचार को संदर्भित कर किया जाता है। इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में रूस को शामिल किया जाता है। रूस के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अगर बात करें तो क्षेत्र के विभिन्न देश के एक बड़े आर्थिक, राजनीतिक ब्लॉक के एकीकृत होने या क्षेत्र में नए सांस्कृतिक या वैचारिक रुझानों के उद्भव जैसे विचार इस न्यू यूरेशिया वर्ल्ड में शामिल है। अगर न्यू यूरेशिया वर्ल्ड की अवधारणा की बात करें तो प्रायः यूरेशियन यूनियन के विचार से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है, जिसमें पूर्व सोवियत गणराज्य को शामिल किया जाता है। हालांकि इस शब्द के अर्थ के और दायरा उस संदर्भ के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें एशिया और यूरोप के बीच बदलती भू राजनीति क्या की बात करें तो भारत से लगा हिमालय, हिमालय की सीमा पर चीन की ओर से भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां और भारत की महाद्वीपीय रणनीति आने वाले समय में कठोर होती जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका यूरोप के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में भी भारत की सामरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने की संभावनाएं कभी भी इतनी प्रबल नहीं हो रही थी। यानी अगर उसमें दूसरी तरफ देखा जाए तो जापान की बात करें, जापान यूरोप के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। जापान के लिए यूरोप हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा अविभाज्य उसकी मेन विषय वस्तु में आ गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो वो भी यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर इस समय क्या कर रहा है, वो नए समीकरण को बना रहा है। बात करें पोलैंड के साथ, उसने अभी हाल ही में प्रमुख हथियार प्लेटफॉर्म की बिक्री के रूप में उसने अपना समझौता किया है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में 15 सितंबर 2021 को ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ उसने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की मदद के लिए उसने एक समझौता, त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया और इससे संबंधित 2021 में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो बात करते हैं तो आकुस की, आकुस व्यवस्था में अमेरिका यूके के साथ शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया यूरोप को हिंद प्रशांत में लाने के लिए समान रूप से उत्सुक है। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एशिया यूरोप के बीच खाई पाट रहे हैं, जिन्हें कभी कभी अलग भू राजनीतिक क्षेत्रों में देखा जाता है। इसके साथ ही बात करें यूरोप, यूक्रेन में रूस के युद्ध और रूस एवं चीन के बीच गठबंधन के कारण एशिया और यूरोप के बीच साझेदारी बढ़ रही है। अब बात करेंगे यूरेशिया के उभार से संबंध चुनौतियां क्या है। सबसे पहले चुनौती देखते हैं देशों के बीच जो आर्थिक प्रभाव है वो बढ़ रहा है। हाल ही में बात करें तो एक प्रमुख बदलाव यह आया, चीन और रूस जैसे देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है। चीन की BRI परियोजना एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो वर्ल्ड में कई देशों तक विस्तृत है और इस चीन परियोजना ने अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार तथा प्राकृतिक संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच का अवसर प्रदान किया है
और इसके अलावा बात करें तो इस दौरान रूस ने अपने ऊर्जा संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए किया है। नेक्स्ट चुनौती की बात करेंगे, विभिन्न देशों के बीच जो बढ़ता तनाव है उसकी बात करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें सीरिया में चल रहे संघर्ष के कारण तुर्की और रूस के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया है और इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। इसके साथ ही यूक्रेन में जारी संघर्ष, दक्षिण सिंह सागर में क्षेत्रीय विवादों के कारण पड़ोसी देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। अगर वहीं राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो इस भूभाग में आए राजनीतिक परिवर्तनों में जैसे ब्रेक्जिट, यूरोप के लोक लुभावन आंदोलनों का भी उदय यूरेशिया की गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है। यानी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिवर्तनों से क्षेत्र में शक्ति संतुलित में बदलाव आ सकता है, जिसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं व्यापार पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे न्यू यूरेशिया के उभार के कारण भारत के लिए क्या उसके निहितार्थ हैं। तो सबसे पहले निहितार्थ की बात करें तो समुद्री और महाद्वीपीय शक्तियों को संतुलित करना कठिन है भारत के लिए। अभी तक एक और भारत समुद्री संगठन यानी हिंद प्रशांत में क्वाड के साथ आसानी से सहयोग कर सकता था, तो दूसरी ओर रूस एवं चीन के नेतृत्व वाली महाद्वीपीय गठबंधन के साथ भी समानांतर रूप से आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब अमेरिका, यूरोप और जापान, तो दूसरी ओर बात करें चीन और रूस के बीच संघर्ष में भारत इन दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में चुनौती का सामना कर रहा है। चीन की ओर से सुरक्षा की चुनौतियां, चीन के क्षेत्रीय दावों और हिमालय क्षेत्र में उसका सैन्य विस्तार प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जिनके कारण दोनों को देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त बात करें तो चीन के आर्थिक और सैन्य उभार ने हिंद महासागर क्षेत्र, जो भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है, शक्ति प्रदर्शन करने की उसकी क्षमता को लेकर नवीन चिंताओं को जन्म दिया है। भारत के लिए अन्य चिंताओं की बात करें तो BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत के घेरने, उसकी सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के रूप में चिंता को उत्पन्न किया है। चीन और रूस के बीच सहयोग, इसमें बात करेंगे तो चीन और रूस के पक्ष में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है। यानी चीन और रूस के पक्ष में जो इस समय परिस्थितियां बन रही हैं उससे क्षेत्रीय संतुलन अपने हिसाब से बदलने की क्षमता रखता है, जिसके कारण क्या होगा, भारत की सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो चीन और रूस के बीच बढ़ते सहयोग और सैन्य एवं आर्थिक समन्वय में वृद्धि हो सकती है, जो इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को चुनौती दे सकती है। चीन और रूस का गहन संबंध उन्हें आतंकवाद रोध और संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत का विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो वैश्विक मंच पर भारत के अपने हितों को आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित करता है। इसके अलावा बात करेंगे अब न्यू यूरेशिया के उभार के युग में भारत अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकता है। सबसे पहले वो मजबूत आर्थिक संबंधों का निर्माण कर सकता है। भारत को अन्य देशों के साथ, विशेष रूप से जो देश BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं है, और अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि व्यापार निवेश के लिए एक वैकल्पिक विकल्प तैयार किया जा सके। कूटनीतिक संलग्नता दूसरा तरीका है। चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ मजबूत संबंधों के निर्माण के लिए कूटनीतिक प्रयासों को भी शामिल करना चाहिए। इसमें अमेरिका, जापान और अन्य क्षेत्रों के देश जो शामिल है उनके साथ मजबूत संबंध बनाना शामिल है। सैन्य सहयोग की बात करें तो भारत को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने सैन्य सहयोग को भी प्रबल करना चाहिए, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो चीन के क्षेत्रीय दावों, सैन्य विस्तार को लेकर अपनी चिंताएं साझा करते हैं। सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना, भारत को किसी विशिष्ट गुट या सख्त संरचना के साथ गठबंधन करने से बचते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करें घरेलू उत्पादन में निवेश, भारत को आयात पर निर्भरता को कम करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पाद और प्रौद्योगिकी में निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बात करेंगे आगे की राह क्या है, व्हाट नेक्स्ट। अगर बात करें तो महाद्वीपीय और समुद्री हितों को सुनिश्चित करने की बात करें तो ये भारत के पास
एक के ऊपर दूसरे को चुनने का खुला अवसर नहीं है, यानी वो महाद्वीपीय और समुद्री हितों को अलग अलग चुन नहीं सकता। इसे समुद्री क्षेत्रों में अपने हितों की अनदेखी किए बिना अपने महाद्वीपीय हितों को अब बढ़ाने के लिए रणनीतिक दृष्टि हासिल करने और आवश्यक संसाधनों की तैनाती करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए मध्य एशियाई भागीदारों यानी ईरान रूस के साथ कार्य करते हुए एससीओ संगठन और यूरेशियाई आर्थिक संगठन जैसे समूहों के साथ, इसके अलावा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से तय होते हुए आर्थिक सुरक्षा और संबंधी एजेंडे को और अधिक सक्रिय रूप से संलग्नता रखते हुए महाद्वीपीय अधिकारों यानी पारगमन पहुंच हेतु अधिक मुखर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बात करेंगे मध्य एशिया देशों के साथ केंद्रीयता। चीन महाद्वीपीय एशिया पर दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है अपनी BRI प्रोजेक्ट के थ्रू। इसके अलावा बात करें, लेकिन इसके समुद्र विस्तारवादी लाभ को पलटना अपेक्षाकृत आसान है बजाय कि महाद्वीपी जो उसके प्रोजेक्ट है उसकी अपेक्षा। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान की तरह हिंद प्रशांत के लिए भी एक केंद्रीयता महत्वपूर्ण है। यूरेशिया के लिए मध्य एशियाई राज्यों की केंद्रीयता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ अपना एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके तहत व्यापार निवेश में वृद्धि के साथ साथ कल्चरल जो आदान प्रदान है, इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की बात करें तो भारत इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह जैसे परियोजनाओं के पहलों के साथ विस्तारित करने का भी प्रयास कर सकता है। अब बात करेंगे, जो इसके पहले 2021 में हमने बताया ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित जो 15 सितंबर 2021 को साइन हुआ था परमाणु पनडुब्बियों से रिलेटेड, उसे संबंधित 2021 में क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन ये था कि नई त्रिराष्ट्रीय साझेदारी यानी ऑकस का उद्देश्य भारत प्रशांत के क्षेत्र में चीन के महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। क्या यह क्षेत्र में मौजूदा साझेदारियों का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान प्रदेश में ऑकस की जो शक्ति और प्रभाव पर चर्चा की गई, 2021 में क्वेश्चन आया था। अब एक क्वेश्चन संभावित है कि जो न्यू यूरेशिया से संबंधित जो है वर्तमान परिदृश्य को लेकर चर्चा, इसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।